पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत हरनोटा पंचायत में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला की तेज धार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार पुलिस मामले में महिला के पति व जेठ को पूछताछ के लिए थाने ले गई है। महिला के पति रणजीत सिंह पुत्र जैसी राम पर पत्नी की हत्या का आरोप लग रहा है। जानकारी के अनुसार हरनोटा पंचायत के पत्तन गाँव की निवासी स्नेहलता की देर रात कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। स्नेहलता की दो बेटियां व एक बेटा है। 9 नवंबर को ही बड़ी बेटी की शादी हुई है। छोटी बहन उसके पास थी। बेटी ने शादी के बाद पहली बार आज अपने मायके हार फेरी के लिए आना था। स्नेहलता आंगनवाड़ी में हेल्पर पद पर कार्यरत थी, जबकि उसका पति मजदूरी का काम करता था। ज्वाली पुलिस ने मौके पर पहुँच कर शव को कब्जे में ले लिया है। मौके से खून से सनी कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है। थाना ज्वाली के डीएसपी ओंकार सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि घर पर महिला के बेटे और बेटी का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई हो पाएगी। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। मृतका की बेटी प्रीति ने आरोप लगाया है कि उनका पिता अक्सर ही मां के साथ लड़ाई झगड़ा करता था व मारपीट भी करता था। शादी से एक दिन पहले भी उसके पिता ने मां पर दृढ़ के साथ वार किया था। उसने कहा कि मैं अपनी बड़ी बहन की शादी का किराए पर लिया गया लहंगा वापस करने फारियां गांव में गई थी और रात को मौसी के पास ठहर गई। उसने रोते रोते इसके लिए अपने पिता को ही दोषी ठहराया है। ये तभी निडाटी है पर डेथ तो बचाई ही बढ़िया मुश्किल नहीं तभी जी समझाते रहे कि बेचार मैं तुम्हारा करा तो कैसे मारता रहना नहीं पता इन्नी आज मारी तड़े आज मैं कि 22 साल है ये लोग के अंधे था कि मारदा आया है पैसे पीछे अंकल कितने सब कुछ पैसे तुरे ब्याह दे सारे पैसे लत्थी ना लसी कर्ज देना सारे उनका ब्याह बैठे का ब्याह इन्हें पैसे पीछे कितने कुछ ना कुछ कड़ेखा दूसरी टेलीफोन जो है जगदीश चंद प्रधान ग्राम पंचायत हरनोटा ने बताया कि स्नेहलता जो लेडीज रणजीत सिंह की घरवाली है वार्ड नंबर 3 में कि उसे उसके पति ने बताया रणजीत ने कि इस प्रकार जो है मेरी पत्नी जो है घर में जो है मरी पड़ी हुई है, जिस पर जो है पुलिस को सूचना मिली। मैं जो है अपनी पूरी टीम थाना का प्रभारी SHO साथ लेकर मौका पर पहुंचा और जो है उसके अनुसार जो है प्रधान जगदीश चंद का बयान कलमबंद करके अभियोग पंजीकृत किया है और आगामी तफ्तीश जो है जारी है। डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है हॉस्पिटल नूरपुर जो है भेजा जा रहा है। वह FSL की टीम जो है मौका पर जो है पहुंच चुकी है और कार्रवाई जो है इन्वेस्टिगेशन जो है जारी है। अभी जो है इसकी गिरफ्तारी जो है करने जा रहे हैं। अभी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसके आधार पर जो है अन्वेषण में जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी।